पंप नहीं था, इसको तो है ही नहीं यार। ये फ्री का माल ऐसा लाउड क्यों दे देते हैं यार, मैं टेस्ट करके बताई। बहुत छोटे हैं यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टीनी टाइनी से आएंगे। पेंसिल टूट गई, अरे यार। Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. After really long time, I shopped from Nykaa. When I say really means after 6 months, मैंने अपनी order history check करी थी. मतलब एक दो essential तो देखो हम लेते रहते हैं इधर उधर app से. But proper जो मैंने shopping करी है ना, जो sale के time में shop करती हूँ, जो जो मुझे चाहिए होता है, मैंने 6 months बाद करी है. And I still remember last year तक तो ritual होता था, हम हर month एक Nykaa haul बनाते थे, लेकिन अब इतना नहीं होता because मेरे पास अब बहुत सारा सामान पड़ा है और मैं अननेसेसरी चीजें अब होर्ड करना कम कर देती हूँ. जब एक चीज खत्म होती है उसके बाद मैं लेती हूँ, कुछ पीआर में होता है तो वो यूज कर लेती हूँ. तो आज मैं फाइनली दिखाने वाली हूँ मैंने अपने कौन कौन से एसेंशियल रीस्टॉक करे हैं, कौन सी डील मिली है, प्लस मेरा बर्थडे मंथ भी था और Nykaa ना बर्थडे मंथ में एक फ्री गिफ्ट भी देता है, तो वो मैं देखने वाली हूँ मुझे क्या मिला है. अभी मैंने जो शॉपिंग करी है इनकी सुपर समर सेल में से करी है, जो अब जा चुकी है, बट ये मत सोचना कि सेल चली गई तो डील चली गई. इनफैक्ट Nykaa की ऐप पे हमेशा कोई ना कोई डील चलती रहती है, तो अभी भी आप चेक करोगे ना आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी. ऑल्सो मेक श्योर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन माय गिवअवेज एज वेल. मेरे बर्थडे मंथ में गिवअवे चल रहा है, मैंने एक गिवअवे लास्ट वीक अनाउंस कर दिया था मेरे मंथली फेवरेट वीडियो में, वो अभी भी चल रहा है. कल या परसों न्यू गिवअवे अनाउंस होने वाला है, तो उसकी वेट करना. आप सारे गिवअवेज में, पूरे जो इस मंथ में आने वाले हैं, किसी भी गिवअवे में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. मैं सबके रिजल्ट लास्ट में बताने वाली हूँ. एंड या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स अनबॉक्स दीज. उससे पहले प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को हिट कर देना. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आई शॉप फर्स्ट, फिर हम पीआर की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो सबसे पहले मेरे हाथ में आया ये पैकेट जो मैंने थोड़े खोल के रख दिया, बिकॉज फिर खुलते नहीं है. सैडली अभी भी Nykaa ये बबल रैप से यूज कर रहा है. मेरे लिए इतनी कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज मैं इन सबको संभाल के रखती हूँ. लिटरली एक एक बबल रैप मैं अच्छे से खोलती हूँ, उठा के रखती हूँ. मैं जो भी गिवअवे के विनर्स होते हैं उनको रैप करके, या फिर वैसे भी कुछ पैकिंग में चाहिए होता है, किसी को कुछ स्टफिंग करके देना होता है, तो ये बहुत काम आते हैं. सो अगर आपके पास भी आते हैं ना, प्लीज इनको ट्रैश में मत फेंका करो, किसी स्मॉल बिजनेस ओनर को दे दो या फिर अपने आप को जिसको रीयूज करने की कोशिश करो, ताकि कम से कम आप कूड़ा कलेक्ट करो. सो सबसे पहले मैंने Nykaa से ऑर्डर किया है ये मिनी. सबसे पहले मेरा बहुत टाइम से मन था मिनीज इनके लेने का, बिकॉज आई लाइक द फैक्ट कि पहले आप ट्राई करो, फिर आपको चीज पसंद आती है तो आप फुल साइज ले लो. बट ये बहुत छोटे हैं यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टीनी टाइनी से आएंगे Nykaa के मिनीज. लिटरली ये ट्रायल सैंपल्स लग रहे हैं. सबसे पहले मैंने इनका ये लिया है प्रेप मी अप प्राइमर. इसके बारे में मैंने काफी सुना है, सो मेरे पास बहुत सारे अभी प्राइमर्स रखे हैं. अगेन मुझे होल्ड नहीं करना था, वो एक्सपायर हो जाते हैं फिर, तो मैंने इनका एक मिनी ले लिया ताकि मैं रिव्यू पर्पज के लिए भी ले सकूं. प्रॉपर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओह, इट्स वेरी सिमिलर टू ब्लू हेवन का, और जो इनसाइड के प्राइमर आते हैं ना, वैसा ही कुछ फील हो रहा है. थोड़ा सा इसका टेक्सचर हैवी है, उनका टेक्सचर और पतला था, बट सिलिकॉन के मामले में एकदम ये वैसा ही फील हो रहा है. सबसे पहले मैंने लिया ये, सेकंड मैंने इनका मिनी लिया है Nykaa स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. मैंने इनका एक और एंटी पोल्यूशन वाला आई थिंक यूज किया हुआ था, वो मुझे अच्छा लगा था, मैंने ये नहीं ट्राई किया. और मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें अलग अलग फाउंडेशन के रिव्यू करूंगी, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बिगर बॉटल मैंने छोटी वाली ले ली, बिकॉज मैंने बिगर बॉटल की कोई और वेरिएंट के लिए है. इसको तो है ही नहीं यार, निकल गया. वो इट्स नाइस, मतलब ऑलमोस्ट मेरी स्किन टोन जैसे, काफी पतला. इट फील्स लाइक BBCC क्रीम जैसा होता ना, ये बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है. इतना कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा, बट दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन लुक्स लाइक. काफी सिमिलर है मेरे स्किन टोन से, सो दैट इज अ गुड थिंग. थर्ड जो मैंने परचेज किया है Nykaa से, वो है ये Nykaa का ऑल डे मैट फाउंडेशन. मैं इतना सुन रही हूँ ना इनके बारे में, और मुझे यूजली Nykaa से PR एंड ऑल आ जाता है, लेकिन मुझे इसका कोई PR नहीं आया था. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं खुद अपने पैसे ले लेती हूँ, बिकॉज मुझे रिव्यू करना ही करना है. सो मैंने इसमें शेड लिया है बिस्किट 05. आई लव द फैक्ट Nykaa ने इस बार जो भी फाउंडेशन लॉन्च करे है ना, इन्होंने अंडरटोन के हिसाब से अपना पूरा चार्ट बनाया है स्किन टोन का. इनके प्रोडक्ट पेज पे जाओगे, स्वाइप करना, आपको एक स्किन टोन का चार्ट मिलेगा. सो अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले आपको अपनी अंडरटोन पता होनी चाहिए. धूप में जाओ, अपनी नर्व्स देखो, यहाँ पे नर्व्स का आपको कलर पता चलेगा. आप गूगल कर सकते हो, मैं यहाँ पे भी एक चार्ट एंटर कर दूंगी. सो अगर आपकी ब्लू नर्व्स है, वेन्स, सॉरी मैं नर्व्स बोलती हूँ बार बार, वेन्स, अगर आपकी ब्लू वेन्स है या फिर आपकी ग्रीन है या फिर ऐसी रेड होती है, तो उसके हिसाब से आपको अपना अंडरटोन पता चल जाएगा. न्यूट्रल है, पिंक है, वार्म है. शेड उठाया है जो है बिस्किट 05. सो जरा देखते हैं स्वॉच करके. ये तो पूरा ही निकल गया, आई थॉट इसमें पंप नहीं था. इसको खोलना ऐसे है, ओके मैंने साइड से पूरा निकाल दिया है. ओके मैं साइड वाला ले रही हूँ, बिकॉज वेस्ट नहीं करना है यार. हे भगवान, फाउंडेशन के देवता ये मैच कर जाए, बिकॉज दुख होता है जब फाउंडेशन मैच नहीं करता. सो दिस इज हाउ फाउंडेशन लुक्स लाइक, इट्स वेरी क्लोज टू माई स्किन टोन या. सो मैंने इनका प्रॉपरली, इनका मैंने शेड कार्ड पूरा मैच करके मंगाया था, इसलिए मैंने बिस्किट शेड मंगाया जो थोड़ा सा मेरे अंडरटोन पे चलता है. वैसे भी मैं फाउंडेशन है ऐसे हल्के से लाइट ही लेती हूँ, बिकॉज कोई भी फाउंडेशन मैं लेती हूँ ना, मेरी स्किन पे ऑक्सीडाइज हो ही जाता है. सो यू कैन सी, आपको कोई डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा हो, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन जैसा ही है.
सो आई होप ये मैच करेगा. डेफिनेटली फ्यूचर में जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब आपको रिव्यू कर सकती हूँ. जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उस दिन ऑफर था कि अगर आप 700 रुपीज का लेते हो तो आपको लिपस्टिक एक रैंडम कलर में फ्री मिलेगी. तो मुझे मिली है नायका की मोल्टन मैट लिप एंड चीक कलर. सो ये लिप्स एंड चीक दोनों का कलर है. एंड अगर ये वाला कलर हुआ ना तो मैं नहीं लगाने वाली. तो मैं इतना चटैक पिंक वाला नहीं लगाती. ओ यार ये कलर है यार, काफी लाउड होगा ये यार. ये फ्री का माल ऐसा लाउड क्यों दे देते हैं यार. मतलब ओ माय गॉड दिस इज नॉट इवन पिंक. ये अभी स्क्रीन पे शायद आपको पिंक लग रहा हो, ये लिटरली वो मजेंटा पर्पल अंडरटोन वाला पिंक नहीं होता. दिस इज नॉट माय टाइप, दिस इज नॉट माय टाइप. इट हैज अ स्वीट खुशबू. ये बिल्कुल लैक्मे जैसे फील हो रहा है. लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक्स आती है ना जो लिप एंड चीक की आती है, डिट्टो वैसी ही फील हो रही है. आई थिंक उसकी कॉपी टाइप बना रखी है नायका ने. बट या ये रैंडम कलर मेरे पास आया है. इस शेड का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेड, लेट मी टेल यू इन केस अगर आप लेना चाहते हो, स्पेंसर 11. इस शेड का नाम है स्पेंसर 11. थिंग जो मैंने ली है ये फाइनली मैंने लिया है एम कैफीन का बॉडी स्क्रब, जो मैं बहुत टाइम बाद अब रीस्टॉक कर रही हूँ. मतलब इसको एक खत्म कर मुझे ऑलमोस्ट शायद साल हो गया होगा. इस बीच मैंने इतने बॉडी स्क्रब ट्राई करे ना एंड ट्रस्ट मुझे इतना कोई वाव नहीं लगा. अभी तक जो सबसे बेस्ट मुझे बॉडी स्क्रब लगाया ना वो यही है एम कैफीन का कॉफी एंड बॉडी स्क्रब. मैंने बहुत पहले इनके साथ स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई हुई है सो आप यूट्यूब करके देख सकते हो. अगर आपको मेरा पूरा रिव्यू देखना है तो दिस इज वेरी नाइस. इसमें एक स्पैचुला भी आपको मिलता है, ग्लास की एक बड़ी सी बॉटल है जिसके अंदर ड्राई पाउडर होता है कॉफी का. सो आप हाथ के ऊपर स्पैचुला से लेते हो फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको मसाज कर सकते हो. ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी ट्रिगर कर सकता है अगर आपके हैंड्स बहुत सेंसिटिव है, लेग्स बहुत सेंसिटिव है. मत यूज करना बिकॉज इसके जो स्क्रब है ना वो डेफिनेटली थोड़े से हार्श है. लेकिन मेरा जो लोअर लेग वाला एरिया ना वो थोड़ा सा अब हार्ड हो चुका है, प्लस वहाँ पे शेव करती हूँ तो इनग्रोन हो जाते हैं. तो उस केस में मुझे बहुत अच्छे सूट करता था. इसको यूज करने के बाद मेरी शेविंग बहुत स्मूथ होती है, इनग्रोन कम से कम होते थे. सो आई एम लविंग दिस. और इस पे ऑफर चल रहा था कि आप एम कैफीन का कुछ भी लोगे तो आपको एक इनकी किट फ्री मिलेगी. तो मुझे ये किट फ्री मिली है जो है एम कैफीन की, कोई टीनी टाइनी सी किट है. इसकी क्वांटिटी बेटर है, मतलब लुक एट द साइज डिफरेंस. मैं आपको एक बार साइज का डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ बिकॉज जब आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट की फोटो देखते हो ना आपको साइज पता नहीं चलता. मैं आपको कंपैरिजन दिखाती हूँ. ये देखो एम कैफीन की किट में ऐसा ट्यूब आई है और ये जो नायका के सैम्पल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं ना जो ट्रायल आते हैं वो इस तरह के. सो आप साइज में डिफरेंस देख सकते हो कितना ही, कितनी पतली और छोटी सी ट्यूब्स हैं. वही इस साइज की होती ना मैं फिर भी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नायका वाली ट्यूब इस साइज की तो एटलीस्ट आएंगी, बट नेवर माइंड. ये तो लिटरली ऐसा है, ये तो फ्री में दे देनी चाहिए इनको अपने ऑर्डर के साथ. ओके सो ये जो किट है ना इसके अंदर सबसे पहले है नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस वॉश, जो है इतना सा आई थिंक परफेक्ट है अगर कहीं ट्रिप वगैरह पे भी जाना हो बिकॉज ये स्पिल प्रूफ भी है, काफ़ी इसकी टाइट पैकेजिंग है. उसके बाद हमारे पास टीनी सा जार, कितना क्यूट है यार ये जार. ये है नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब. ओ इसी का छोटा बेबी है हमारे पास, मैं लिटरली इसको अपनी ट्रिप पे ले जा सकती हूँ. इतना छोटा सा इसके ना एक बड़ा सा जार आता है और ये इतना छोटा सा जार है. ये भी कॉफी बॉडी स्क्रब है, उसी का इन्होंने ट्रायल साइज बना रखा है. एंड एट लास्ट इसके अंदर क्या था, मैंने आपको फेस वॉश दिखाया. ओ आई हैव टू फेस वॉश. आई थिंक उन्होंने किट में कुछ और लिखा हुआ था कि एक फेस वॉश होगा, एक फेस स्क्रब होगा, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसे ही बताया था. बट नेवर माइंड, इन्होंने मुझे इस किट के अंदर दोनों ही फेस वॉश दे दिए. सो आई गॉट टू फेस वॉश इन दिस पर्टिकुलर किट. और इसके साथ हमें ये टीनी टाइनी क्यूट सा पाउच मिलता है जो काफ़ी काम आता है कुछ ना कुछ स्टोर करने में. सो दैट इज दिस. ओ ये नायका की नेल पेंट, मैंने नायका की नेल पेंट भी ली थी. सो ये सब टोटल करके 750 समथिंग हो गया था. तो फिर मुझे वो जो नायका का मोल्टन लिपस्टिक थी ना ये फ्री मिली थी. सो मैंने इस बार लिया है ये मसावा बाय नायका का शेड रोर रॉर रोर आई डोंट RAWR 275. You guys know my love for nude pink color. मैंने अभी भी जो लगाया हुआ है ये नहीं लगाया हुआ, मैंने अभी जो लगाया वो है नायका का आई थिंक ईजी न्यूड लगाया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इनकी ब्रीदेबल कलेक्शन का एक कलर है ईजी न्यूड, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. और ये भी मैंने एक सेम फॉर्मेट में हल्का सा ब्राउन टोन में न्यूड कलर लिया है. आई एम अ न्यूड नेल पेंट पर्सन, मैं अब झटैक कलर्स नहीं लगाती. पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं जैसे ही कुछ लाउड नेल पेंट लगाती हूँ ना उसी टाइम में हटा देती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती अब. सोया नेक्स्ट आई ऑर्डर दीज जेलेट वीनस ब्रीज की जो रिफिल्स आती है ना जिसके अंदर खाली ब्लेड ब्लेड आता है, मैंने वो ऑर्डर किया है. इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था. ये वाला रेजर है बाय द वे अगर आपको नहीं पता, जिसमें जेल सोप बार्स होते हैं. यू गाइस नो आई एम लविंग दिस वन. मैंने अभी मंथली फेवर्स में भी फीचर किया था. इसको यूज करने के बाद ना मैं जिलेट का जो नॉर्मल वीनस आता ना वो मैं यूज ही नहीं कर पा रही, पता नहीं मुझे वो हार्श लगता है. दो इसके जेल बार बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया भी था कि 2 या 3 यूसेज के बाद ही वो जेल बार घिसने लग जाता है, उसके बाद वो बचता भी नहीं है. बट स्टिल आई फील ये काफी अच्छी स्मूथ शेविंग देता है और ट्रिप के हिसाब से भी कैरी करने के लिए एकदम परफेक्ट अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, बिकॉज इसके लिए शेविंग फोम की जरूरत नहीं पड़ती. और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, सो था कार के मैंने फुल प्राइस पे ले ली. नेक्स्ट अप आई हैव टू थिंग्स फ्रॉम इनसाइड. इनसाइड का सबसे पहले मैंने लिया है ये नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स. 40 वाइप्स आते हैं. सो ऐसे छोटे छोटे ना इसमें ऐसे वाइप्स होते हैं टीनी टाइनी से.
सो आप इजिली इसको यूज कर सकते हो. मुझे ये बेटर लगता है. आई थिंक मैं जब नॉर्मल रिमूवर यूज करती हूँ ना, वो भी मैंने मंगवाया है, लेकिन वो काफी बार होता है मल्टीपल जब लेयर्स आप लगाते हो, लाइक मैं पैरों के नेल्स पे काफी बार बहुत सारे लेयर्स लगा लेती हूँ कि अच्छा हटनी शुरू हो गई, एक और लेयर लगा ली, तो उसको हटाने के लिए मैं प्रॉपर नेल पेन रिमूवर वाला यूज करती हूँ. लेकिन हैंड्स के लिए ये ज्यादा अच्छा रहता है, हैंडी रहता है, एक वाइप फटाफट उठाया रिमूव कर लिया, सो इजी टू यूज रहता है. सो मैं हमेशा ऐसे वाले रखती हूँ. और मैं वैसे लोकल मार्केट से लेके आती थी, लेकिन इस बार जो मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी ना, जो मैं 30-20 का लेती थी, वो इतना गंदा आया ना, मतलब उसमें इतनी गंदी अजीब सी स्मेल थी ना, मैं नहीं अब नहीं लूंगी मैं. सो इससे बेटर है मैं 40-50 रुपीज और लगा के अच्छी क्वालिटी का ले लेती हूँ. तो मैंने इनसाइट का मंगा लिया. 40 वाइप्स फॉर 60 रुपीज इज नॉट बैड. सेकंड मैंने पिकअप किया है इनसाइट का ये ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज एप्लीकेटर, जो दिखता है कुछ इस तरह से. मुझे काफी टाइम से एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए था, मेरे सारे पुराने घिस चुके हैं, बार बार वॉश करने के बाद भी ना उसमें अजीब सा टेक्सचर आना शुरू हो जाता है. सो इट्स टाइम टू से बाय टू देम. सो मुझे इनसाइट का दिख गया 125 इसका एमआरपी है, लेकिन मुझे ठीक डील प्राइस में मिल गया था. ऑब्वियसली प्राइसेस आपको यहाँ पे सबके दिख जाएंगे. सो एक बार देखते हैं. ओह पूजा कितना सॉफ्ट है. वो इट्स डेफिनेटली सॉफ्ट, मतलब इतना नहीं है बट अभी तक तो मुझे सॉफ्ट फील हो रहा है. बाद में पता चलेगा जब मैं इसको प्रॉपर पानी में डैम करूंगी ना, साइज से पता चल जाएगा. अगर ये प्रॉपर बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर की पहचान होती है. जो थोड़े से लोकल वाले ब्लेंडर होते हैं ना, वो पानी में भी आप अगर अच्छे से स्क्वीज भी कर दो ना, वो तभी भी ऑलमोस्ट सेम साइज के रहते हैं. अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर बहुत अच्छी साइज में बड़ा हो जाता है. मैंने अच्छा अच्छा ज्यादा बोल दिया बट नेवर माइंड, आई थिंक आप समझ गए होंगे. ठीक है, जो मेकअप करते हो समझ जाते हैं. अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर थोड़ा बड़े साइज में हो जाता है. नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड अ न्यूड आई लाइनर, जो मुझे काफी टाइम से लेना था. मतलब मैं बहुत टाइम से ना, मेरे पास एक व्हाइट कलर का रखा होता और मैं इतना अब यूज नहीं करती, बिकॉज व्हाइट वाला अगर थोड़ा सा प्रेशर लगा के लगा दो ना तो बहुत फेक लगता है. और मैं अपनी लोअर वॉटर लाइन पे ना न्यूड या व्हाइट लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उससे मेरी आईज बड़ी लगती है. मैं अगर ब्लैक कलर का काजल भर के लगा लेती हूँ ना, आईज और ऐसे छोटी सी हो जाती है. सो अगर आपकी भी हुडेड आईज है या फिर आपकी आईज बहुत छोटी है, आप इल्यूजन एक दिखाना चाहते हो बड़ी आईज का, हमेशा लोअर वॉटर लाइन के पास एक न्यूड या फिर व्हाइट कलर का काजल लगाया करो. अरे यार, मैंने पहले ढक्कन निकाल दिया और उसके बाद पेंसिल खोली. रेवोल्यूशन का कोल आई लाइनर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी लंबी पेंसिल है और ये शार्पन वाली पेंसिल है, ये वोली पेंसिल नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉपर वुड वाली पेंसिल. अभी खोलते हैं और मैंने इसके टिप तोड़ दिया एज यूजुअल, मेसी मी, बट मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है. ये भी हल्का सा वाइट लग रहा है बट ट्रस्ट मी, ये न्यूड कलर जो है ना, ये एकदम चमकते हुए व्हाइट कलर से बेटर है, ये फेक नहीं लगता. सो इसमें प्रेफर करती हूँ नीचे लोअर वॉटर लाइन पे लगाना, सो दैट अच्छी बड़ी आंखें लगे. लिटरली मुझे 2 साल से जो नायका बर्थडे मंथ पे गिफ्ट देता है ना, वो शीट मास्क ही मिल रहा था. और इस साल भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था शीट मास्क ही मिलने वाला है, बट आई वॉज रॉन्ग. इस बार मिला है हमें फेस वॉश. मुझे इतने डीएम्स आए थे, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैंने नायका से शॉपिंग करी है, मुझे बर्थडे मंथ का गिफ्ट मिलने वाला है, लेट्स सी क्या होगा. बिकॉज उस टाइम आपको नहीं पता चलता. अगर आपको इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है, नायका पे एक प्राइम मेंबरशिप होती है. अगर आप साल का 6-7,000 समथिंग की शॉपिंग करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली नायका के प्राइम मेंबर बन जाते हो. उसमें आपको कूपन कोड्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलते हैं, प्लस आपको अपने बर्थडे मंथ में आप कुछ भी शॉप करोगे ना, एक गिफ्ट मिलता है. सो मुझे 2 साल से शीट मास्क मिल रहा था, लेकिन इस साल मुझे मिला है इनका हल्दी चंदन का फेस वॉश, जो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था. मेरे पास ये पीआर में आया हुआ है, मेरे पास रखा भी हुआ था, बट यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सैडली मुझे इतने डीएम्स आए थे उस दिन की, दीदी हमें परफ्यूम मिला है, जो नायका का मोई MOI परफ्यूम आता है. सो आई वाज होपिंग कि शायद मुझे मिल जाए, बट ठीक है यार, लालच बुरी बला है, मुझे पीआर में आ जाता है. सो नेवर माइंड, मुझे फेस वॉश मिला है. नेक्स्ट अप आई ऑर्डर्ड कलर बार का एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर. मैंने जस्ट आपको बताया कि सिंगल लेयर नेल पेंट के लिए ये परफेक्ट रहता है. और जहाँ पे नेल पेंट कोई आप शिमरी लगाते हो, काफी बार हम शिमरी ग्लिटरी वाली नेल पेंट्स लगाते हैं ना, वो इनसे नहीं हटती, ये बहुत सारी वेस्ट हो जाती है. सो उससे बेटर रहता है कॉटन पैड के ऊपर ये वाला लगा लो. और सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे लंबा चलने वाला जो नेल पेंट रिमूवर है ना, वो ये कलर बार का ही है. ये इतना लंबा चलता है ना, मतलब यू विल बी लाइक कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा. और ये इतना अफोर्डेबल भी है, नायका की सेल पे आपको हमेशा ये अंडर ₹100 समथिंग के मिल जाएगा, विच इज वर्थ एवरी पेनी. सो ये मैंने रीस्टॉक कर लिया. नेक्स्ट आई ऑर्डर्ड माई आजा सैनिटरी नैपकिन. मैं अभी भी सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं सैनिटरी नैपकिन यूज़ भी कर रही हूँ तो मैं ऑर्गेनिक, मतलब वैसे यूज़ करूँ जो बायोडिग्रेडेबल हूँ. और मैंने आजा के साथ काम किया था 2 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तब मेरे पास ये आए थे, उन्होंने भेजे थे. ऑब्वियसली जब मैंने उनके साथ कोलैब किया था, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल, रैश नहीं देते इनका, मुझे वो पैकेट बहुत अच्छा लगता है, ईजी टू थ्रो है. सो उसके बाद मैंने लास्ट ईयर भी नायका से परचेज किया था, मैं इस साल भी मैंने परचेज कर लिया. इसके अंदर बॉक्सेस में आपको देख सकते हैं ऐसे पिंक कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा है. सो आप ऊपर से आप पहचान सकते हो कि जो पर्पल वाला है वो है इनका एक्सेल साइज, यहाँ पर नीचे साइज भी लिखा है, और जो पिंक वाला है वो है इनका रेगुलर साइज. सो जिस दिन मेरा फ्लो बहुत ज्यादा होता है, फिर बाहर जाना होता है, तो मैं ये एक्सेल वाला लगाती हूँ. और जिस दिन फ्लो ठीक होता है, फिर कम होता है, फिर घर पर ही रहना होता है, तो मैं रेगुलर वाला लगा लेती हूँ. और ये ऐसे पाउच फॉर्म में आता है,
सो ये अभी तो स्टिक्ड है, ऐसे खुलेगा एंड देन वी हैव द सैनिटरी नैपकिन. और ये यूज करने के बाद जो आपका डर्टी वाला होगा उसको आप इसमें डाल के वापस, एंड यहाँ पे दे हैव गिवन अ स्टिकर. ये स्टिकर है, इसको आप पील करोगे, आप पूरा इसे बंद करके आप थ्रो कर सकते हो. तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, मैं अपने बैग्स में ये सारे पॉपअप करके रखती हूँ सो दैट कभी भी अगर इमरजेंसी हो तो मैं यूज़ कर सकूँ. दीज आर अल्ट्रा सॉफ्ट सुपर ड्राई ब्रीदेबल सर्टिफाइड सेफ सैनिटरी नैपकिन. सो यार आई लाइक दिस. एंड एट लास्ट आई परचेज दिस प्लम बॉडी लविंग शार जेल ट्रिपिंग मिमोसा. ये मुझे काफ़ी पसंद आई है फ्रेग्रेंस. मेरे पास इनका बॉडी मिस था ट्रिपिंग मिमोसा का. इट्स लाइक प्रॉपर जो खट्टी सिट्रसी खुशबू होती है ना, जो मुझे पर्सनली समझ में काफ़ी पसंद है. जो मिमोसा ड्रिंक होते हैं ना डिट्टो, इसका वैसे एकदम अरोमा आता है. सो मैंने इस बार इनका बॉडी शावर जेल भी ले लिया. आजकल मैं काफी शावर जेल्स लेती हूँ. बीच में क्या हुआ था ना, मेरा जो बॉडी स्क्रब थे सारे फिनिश हो गए थे. लाइक मैंने अब जाके रिस्टॉक किया है. तो मैं बीच में क्या किया करती थी, मैं कोई भी बॉडी वॉश लेती थी लूफा पे लगा के, अच्छे से लूफा से ही अपनी बॉडी एक्सफोलिएट कर लेती थी और फिर शेव कर लेती थी. एंड ऑनेस्टली ठीक रिजल्ट मिलता था. तो अगर आप भी ऐसे बॉडी स्क्रब में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आई वुड से आप एक बेसिक लूफा लो, बॉडी ऐसे शावर जेल ले लो, अच्छे से उसको यूज करके फॉर्म अप करके उसी से अपने लेग्स को स्क्रब एंड ऑल करके फिर आप शेविंग भी कर सकते हो. आई थिंक उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है. सो मैंने समझ के हिसाब से लिया बिकॉज मुझे इसकी खुशबू काफी पसंद है. आई रियली लाइक द बॉटल यार, कितनी क्यूट इसकी बॉटल है. मूविंग ऑन टू द पीआर स्टफ, सबसे पहले मुझे रिसेंटली पीआर में आया था ये टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा. मैंने इसकी एक डेडिकेटेड रील ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी अगर आप देखना चाहते हो तो. बाय द वे इंस्टाग्राम पे मैं करती हूँ कशी क्विक रिव्यू, जिसमें मैं रील के 60 सेकंड में कोई भी एक प्रोडक्ट को ट्राई करती हूँ और आपको रिव्यू देती हूँ कि अच्छा है नहीं अच्छा है. तो आप हमेशा प्लीज चेक कर लिया करो मेरे इंस्टाग्राम के भी पोस्ट. अगर फॉलो करते हो फिर भी देख लिया करो, आप मुझे फेवरेट्स में ऐड कर लो ताकि आपको मेरे पोस्ट दिखते रहे. सो ये हाई एंड लग्जरी ब्यूटी सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में मस्कारा आता है बिकॉज आई थिंक 21 या फिर 2100 समथिंग है मस्कारा है. एंड इट इज एक्चुअली हैवी, मतलब आप जितना प्राइस पे करो ना आपको लग्जरी फील होती है. ये इनका फुल साइज वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे इंग्रेविंग है, आप पढ़ सकते हो टू फेस बेटर देन सेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड वंस यू ओपन इट दिस इज हाउ द मस्कारा लुक्स लाइक. इसका बहुत अच्छा एक बीच से थोड़ा सा कम, साइड से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे आर ग्लास फिनिश है. इसको आर ग्लास बॉडी बोलते हैं मस्कारा की. और ये काफी अच्छे से कोटिंग देती है आपकी लैशेज के ऊपर. सो डेफिनेटली इट इज वर्थ द हाइप. अगर ये इतना चार्ज कर रहे ना उतना आपको दे रहे हैं बिकॉज इसको लगा आने के बाद लिटरली ऐसा फील होता है कि मैंने फॉल्स लैशेस लगा लिए हैं. काफी अच्छे से स्टे भी करता है, वाटरप्रूफ है, ज्यादा रिमूव नहीं होता, अच्छे से वॉल्यूम भी देता है, उसको लेंथ भी बहुत सही देता है. नेक्स्ट अब आई टू लिपस्टिक्स, एक मैंने ऑलरेडी फीचर कर दी अपनी बेस्ट अंडर रुपीज 299, लेकिन अभी 299 की नहीं है, जब सेल चल रही थी तब थी. आई थिंक अभी आपको फुल प्राइस समथिंग में मिल रही होगी. ये मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड ईजी मेड ईजी. आई थिंक ये जो सेंसेशनल लिक्विड मैट है ना, इन्होंने मेबेलिन की जो क्रीमी मैट है ना उसी का लिक्विड फॉर्मुलेशन निकाला बिकॉज इनके काफ़ी नेम सिमिलर है. लाइक आपको इसी पैकेजिंग में आपको टच ऑफ स्पाइस भी कलर मिलता है जो मैं क्रीमी मैट का यूज़ करती हूँ. तो अगर आप ऐसे वाले ज़्यादा प्रेफर करते हो जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, आप डेफिनेटली वो ले सकते हो. ईजी ये जो मेड ईजी शेड है ना, ये प्रॉपर एक ब्राउन टोन रेड सॉर्ट ऑफ शेड है. सो अगर आप ऑन फेस रेड नहीं लगाना चाहते ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है. आप वीडियो जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने लिप स्वॉच भी दिखाया है, कंपेरिजन भी दिखाया, और भी बहुत अच्छा मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है. बट दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. आई थिंक इट लुक्स वेरी प्रिटी ऑन स्किन टोन, इंडियन स्किन टोन, और रेड नहीं है, बिल्कुल झटाक नहीं लगती, प्रॉपर एक जैसे आप इंडियन वेडिंग का कलर कुछ देख रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छा है. ये न्यूड ब्राउन टोन और रेडिश का एक मिक्स है जो काफी प्यारा लगता है, बिल्कुल भी वो झटाक रेड वाला वाइब नहीं देता. सो आई रियली लाइक इट. एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है बिकॉज ये थोड़ा सा क्रीमी है और लिक्विड फॉर्म में है, तो ये मैट भी बन जाता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है. हाउएवर थोड़ी देर बाद ही हल्का सा आपको चैप करेगा बिकॉज ये प्रॉपर में एक मैट फॉर्मुलेशन ना, तो आप लिप बाम से टचअप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा चापी फील हो रहा हो. सेकंड है मेरे पास मिस क्लेयर, नहीं यार इसको देखते मिस क्लेयर की याद आ जाती है. दो मिस क्लेयर इसकी कॉपी है, मैंने ओरिजिनल को मिस क्लेयर बोल दिया, मतलब हद हो गई. एक्चुअल जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट था ना जिसकी कॉपी मिस क्लेयर ने करी थी, वो यही है निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. उस टाइम जब निक्स इतना लॉन्च नहीं हुआ था नायका पर या फिर इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तब मिस क्लेयर ही इसकी कॉपी लेके आया था और वो इतनी बिकी थी ना, मतलब मेरे कॉलेज टाइम में मुझे अभी भी याद है वो शेड मिलते ही नहीं थे बिकॉज वो आते ही सेल आउट हो जाती थी. मैं करोलबाग जाती थी, कफार जाती थी वो शेड्स लेने, और लिटरली वो भैया कहते थे कि नहीं बिक गए सारे. सो एक्चुअल जो है वो यही प्रोडक्ट है. ये है निक्स की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड सैन फ्रांसिस्को. सो इट्स अ वेरी प्रिटी लाइट न्यूड पिंक कलर जो मैं डायरेक्टली लगाती हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा वॉश ऑफ करता है मेरी स्किन टोन पे, काफी मुझे लाइट लगता है. बट ये टॉपिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट है. काफी बार होता है आपको डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लेते हो फिर आपको लगता है अरे आउटफिट के साथ बड़ी लाउड लग रही है, चटाक लग रही है. तो एक ऐसी लाइट न्यूड कलर होना चाहिए जिसको आप टॉप ऑफ कर लो, या फिर आपने कोई क्रीमी लिपस्टिक लगाई है जो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होती है तो उसको हल्का सा मैट बनाने के लिए आप ये ले सकते हो. ये जो है ये सॉफ्ट मैट लिप क्रीम क्यों है बिकॉज ये हल्की सी मैट भी फील होती है जो हल्का सा सॉफ्ट मैट इफेक्ट होता है, और ये क्रीमी भी है तो ये ट्रांसफर हल्की फुल्की होगी लेकिन एटलीस्ट ये आपकी लिप्स को चैप नहीं करती, विच आई लाइक.
सो अगर आप ये ओरिजिनल ले सकते हो NYX की, इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज आप नेस्ले वाली ले सकते हो, वो भी इक्वली अच्छा ही काम करती है. नेक्स्ट अप आई हैव फ्यू स्टफ फ्रॉम बेला वीटा ऑर्गेनिक, आई थिंक ये इसका नाम है, बेला वीटा ऑर्गेनिक न्यू एज आयुर्वेदा. सो सबसे पहले मेरे पास इनका एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब ग्रिट, ये डेड स्किन को रिमूव करता है, डीटैन करता है, पॉलिश करता है स्किन को. सो मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा, लेट मी जस्ट ओपन एंड सी की क्या है. इसके ऊपर कॉफी बीन्स बने हुए हैं, सो आई थिंक ये भी कॉफी या फिर मिक्स जैसा कुछ स्क्रब होगा. मुझे पता नहीं था मेरे पास ये रखा है, बट या सो ओके, सो इट्स वेरी ग्रिटी. सो कुछ इस तरह की इसकी प्लास्टिक की बॉटल है, पीछे से आप देख सकते हो जो टेक्सचर है. ये भी ड्राई स्क्रब पाउडर ही है, सो ये भी ड्राई ही आता है ऐसे. मैं खोल के एक बार देखूँ कैसे निकलेगा ये. ओके, सो इट्स लाइक अ कॉफी वैसा ही वाला है और काफ़ी ग्रिटी है. या इट्स वेरी ग्रिटी है, फेस पे आप नहीं यूज़ कर सकते यार, आपका फेस बर्बाद हो जाएगा अगर आपने यूज़ कर लिया तो. डेफिनेटली बॉडी पर यूज़ कर लूँगी बिकॉज काफ़ी बार बम एरिया पे, हैंड्स पर या फिर लेग्स पर थोड़ा बहुत डेड स्किन होती है, तो ऐसे वाला सही रहता है. प्रोडक्ट है बेला वीटा का, ये आई लिफ्ट अंडर आई जेल क्रीम. इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, मेनी ब्लॉगर्स आर रेविंग अबाउट दिस वन, कि ये काफ़ी अच्छा कूलिंग सेंसेशन देता है. आई थिंक जैसे आई जेल आते ना, ये इतना डार्कनेस पे वर्क नहीं करते, जस्ट दैट जो आपकी पफिनेस होती है, जो थोड़ी बहुत हल्का सा एक होता है ना फाइन लाइन्स होती है, तो उस पर डेफिनेटली वर्क कर जाता है. और जो जेल फॉर्म के होते हैं ना, आई थिंक इसको आप फ्रिज में रखोगे तो बेटर रहेगा. ग्रीन कलर का इसका है, काफ़ी पतला जेल, इट हैज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें खुशबू है, लिटरली परफ्यूम जैसा फील हो रहा है. इसमें फ्रेग्रेंस है डेफिनेटली, काफ़ी लाइट है, बिल्कुल पतला पतला सा जेल है. सो अगर आप कूलिंग के लिए देख रहे हो ऐसे जेल, ठीक है, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी अंडर आइज पे वर्क करेंगे, बिकॉज नहीं करते यार, मैं सच बता रही हूँ, सब मार्केटिंग गिमिक होता है. नेक्स्ट अप वी हैव बेला वीटा ऑर्गेनिक का निको लिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब बाम. अभी बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हो, आपको बाम जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्क्रबी पार्टिकल्स होते हैं. या इसमें बहुत टीनी टाइनी स्क्रबी पार्टिकल्स हैं. ओ, इट्स वेरी जेंटल, बहुत छोटे छोटे इसमें स्क्रबी पार्टिकल्स हैं. तो आप इसको अपने लिप्स पर ऐसे मसाज करके, जो भी आपके काफ़ी बार लिप्स पर डेड स्किन वगैरह हो जाती है, तो आप वैसे करके इसको यूज़ कर सकते हो. आई थिंक ऐसे स्क्रब्स मैं डेली बेसिस पे यूज़ करने को रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज काफ़ी बार जब हम स्क्रबिंग यहाँ पे हार्श कर लेते ना, तो यहाँ पे डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है. सो जिस दिन भी आपको लगे कि आपको मैट लिपस्टिक लगानी है, आपके लिप्स चैप होने वाले हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो उससे पहले आप इसको मसाज कर सकते हो, ताकि लिप्स एकदम नीट क्लीन हो जाए. उसके बाद आपकी मैट लिपस्टिक का जो एकदम फॉर्मुलेशन है ना, वो और अच्छा वर्क करेगा. अनदर थिंग जो मैंने ऑर्डर करी थी, ये दूसरे बॉक्स में थी तो मैं दिखाना भूल गई. ये मैंने ऑर्डर किया है गैट्सबी का हेयर स्प्रे. मेरे पास इसका बड़ा वाला हेयर स्प्रे था और वो एक्सपायर हो गया था, मतलब वो आधा भी नहीं यूज किया था मैंने और वो एक्सपायर हो गया था, बिकॉज मैं इतना हेयर स्प्रे वाले हेयर स्टाइल नहीं करती. मैं लिटरली शादी में भी ऐसी चली जाती हूँ, मेरा है ही नहीं इतना हेयर स्टाइल में फोटे. बहुत कोई इंपॉर्टेंट वेडिंग होती है तब जाके मैं कर्ल्स वो करती हूँ, मैं वॉन्ड से कर्लिंग करती हूँ. आप अभी फेब में मैंने ब्लॉग बनाया था मेरे भाई की शादी का, कजन भाई की शादी का, तो उसमें आपको ट्यूटोरियल भी दिखाया था कि मैंने जो एलन ट्रूमेन की स्टिक होती है वॉन्ड, उससे मैंने कर्लिंग कैसे करी. और उसके बाद मैंने वही स्प्रे लगाया था जो काफी बड़ा था, एंड मैंने उसका इस बार मिनी वर्जन लिया. मुझे पता नहीं था कि मिनी वर्जन इतना छोटा आएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी रेट का इतना फर्क नहीं है. ये 100 rupees का MRP मुझे पड़ा है, कोई डिस्काउंट नहीं, और वो आई थिंक आपको Amazon से 250-300 का पड़ जाता है. वो इतना बड़ा स्प्रे आता है. सो अगर आपकी फैमिली में कोई ना कोई यूज कर सकता है, आप फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, आई वुड से वो बड़ा स्प्रे लेना, बिकॉज 100 rupees के हिसाब से तो काफी छोटा है, लेकिन ट्रैवलिंग पर्पज के हिसाब से बढ़िया है. अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो, आप बैग में डालना चाहते, आप कोई भी अगर मेसी बन भी बनाते हो ना, तभी भी इसको स्प्रे किया करो. लिटरली एक्सट्रीम होल्ड है, इसका नाम है गैट्सबी सेट एंड कीप एक्सट्रीम होल्ड. इसमें वैरायटी आती है थोड़ी सी, लेकिन मैंने ये एक्सट्रीम होल्ड वाला लिया बिकॉज ये एक्चुअल में एक्सट्रीम होल्ड है. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखा भी हुआ है. ये आपके कर्ल्स को इंटैक्ट रखता है. मैंने अपनी कजन की शादी में दिन में किया था, उसके बाद हम नेक्स्ट डे तक जो फेरे होते हैं विद आई, उसके बाद नेक्स्ट डे के बाद ही हम आए थे. मोर देन 24 आवर्स मेरे कर्ल इतने अच्छे स्टे कर रहे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे. सो ये एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ वर्जन है. काफी कम लोगों को इस ब्रांड के बारे में पता है, बट आप वो फैंसी ब्रांड्स नहीं लेना चाहते मत लो, ये 100 rupees वाला एकदम बढ़िया काम करता है. एंड दैट इज इट फॉर माई नायका हॉल. मैं लिटरली थक चुकी हूँ, बिकॉज शादी से आते ही मैं फटाफट अभी शूट करके बैठ गई थी, बिकॉज काफी टाइम से डिले हो रहा था, फाइनली मैंने शूट कर लिया है. डू लेट मी नो कि आपको इन सब प्रोडक्ट्स में से आपने कौन सा ट्राई किया हुआ है, आप कौन सा चाहते हो, आप कौन सा आप रिव्यू चाहते हो. अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट का प्रॉपर रिव्यू चाहते हो, तो वो भी मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए रिव्यू करूंगी. अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर रिव्यूज. और जो मेरा बर्थडे मंथ का गिव अवे चल रहा है, उसमें भी प्लीज पार्टिसिपेट कर लेना. नेक्स्ट जो इस वीक का गिव अवे है, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, सो वेट फॉर इट. एंड यार, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.